मौलाना साहब आप अपनी बात यहीं पर रखिए, सबसे पहले मजारों पर बैठने वाले जो पीर हैं इनको पहला कलमा याद कराइए। भाई मिर्ची तो लगनी ही है, आज लगे चाहे कल लगे, हरी मिर्ची लगे, सूखी मिर्ची लगे या पीसी मिर्ची लगे, भैया लगना तो है ना। हाँ, पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। देख लिया, अब इनसे मुतालिक अभी बात करते हैं, थोड़ा सा रुकिए। अब ये वीडियो भी देखिए, ये वीडियो आपने बहुत दिन पहले देखा भी होगा। ये एक मुजावर है, मज़ार के खादिम हैं, मज़ार पर बैठकर फातिहा करने वाले बाबा हैं। और पिछली इनकी जो वीडियो अभी दो तीन दिन पहले, तकरीबन एक दो हफ्ता पहले ये आपने देखा है, तो इसमें ये भाई जिसको आप इनके साथ देख रहे हैं, बाबा जी से एक छोटा सा सवाल करता है, कहता बाबा जी पहला कलमा याद है? तो बाबा थोड़ी देर तो रुकते हैं, थोड़ी देर रुकने के बाद कहते मुझे चक्कर आ रहा है। भैया कोई इतना बड़ा सवाल थोड़ा ही था पहला कलमा की चक्कर आने लगे, मतलब इतना बड़ा कोई सवाल नहीं था, छोटा सा सवाल, और हर मुसलमान को पहला कलमा याद भी होता है। जी हाँ, इसी तरह इस भाई ने जब कहा कि बाबा सना सुनाओ, तो बाबा थोड़ी देर रुकने के बाद कह रहे हैं चक्कर आ रहे हैं। तो भैया हैं फातिहा करने वाले, इसीलिए मज़ार पर बैठे हैं ताकि फातिहा करें, पहला कलमा नहीं याद है, पता नहीं मुसलमान है या नहीं, मुझे पता नहीं। खैर, अभी एक हफ्ते पहले इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। हाँ, अब इनके मौलाना लोगों को मिर्ची लग गई कि भैया अपना अकीदा तो बदनाम हो रहा है, बताओ कैसे कैसे मज़ार पर बैठने वाले हैं जिन्हें फातिहा करना तो दूर की बात, पहला कलमा भी नहीं याद है, सना नहीं याद है। अब इनके कुछ मौलाना लोग आ गए भाई सफाई देने के लिए, ताकि अपना अकीदा बच जाए और बाबा जी की बात को छुपा लिया जाए, क्योंकि हर बात को छुपाई जाती है ना। हाँ, अब देखिए इनकी वीडियो, अभी मैं दिखाता हूँ मौलाना साहब की, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इनके मौलाना लोग उसी मज़ार पर आए हैं, अब अपनी बात छुपाने के लिए, अपनी बदनामी को रोकने के लिए उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं और मुनाजरा करने पर तैयार हो गए, हालांकि कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये इसलिए ताकि हमारे मज़ार पर बैठने वाले जो पीर हैं, जो बाबा हैं, इनको पहला कलमा नहीं याद है, सना नहीं याद है, इनकी बदनामी ना होने पाए, इसलिए ये बहकी बाकी बातें करने लगे। मौलाना कहने लगे कि मज़ार पर बैठकर जो फातिहा करते हैं ये कोई मौलाना नहीं है, उस बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कोई मौलाना नहीं है, इन्हें सिर्फ फातिहा करने के लिए रखा गया। अरे मौलाना साहब, जिसको पहला कलमा ना याद हो, सना ना याद हो, भला वो क्या फातिहा करेगा? और आपको तो ये चाहिए था कि आप जब इस मज़ार पर आए हैं और उस पीर से, उस बाबा से, उस मुजावर से आपकी मुलाकात हुई है, तो ज़रा फातिहा के बारे में मालूम कर लेते, लेकिन नहीं, बात तो छुपानी थी ना, दबानी थी, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो मौलाना साहब, तुम चैलेंज किसी को भी ना दो, किसी से भी ना करो, पहले तुम अपने पीरों को पहला कलमा याद कराओ। हाँ, पहला कलमा पहले याद कराओ, फिर मज़ार पर फातिहा के लिए इन्हें बिठाओ। और इस तरह के एक नहीं, हज़ारों तुम्हारे पीर हैं जिन्हें पहला कलमा नहीं याद है, मैंने अपने इसी चैनल पर बताया भी है और दिखाया भी है, सुनाया भी है, और ये भी नहीं मालूम कि ये मुसलमान हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। भाई जिसको पहला कलमा ना याद हो, मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, तो मौलाना साहब थोड़ा अपनी बात को छुपाने की कोशिश ना करें, और अगर छुपाएँ तो थोड़ा इस तरह से छुपाएँ लोग जान ना पाएँ। आपको छुपाने का तरीका भी नहीं पता, बाबा को सामने रखकर कह रहे हैं कि ये मौलाना नहीं है, फातिहा करने वाले हैं। अरे फातिहा करने वाले हैं तो फातिहा का तरीका भी आना चाहिए ना, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि पहला कलमा, थोड़ा सा ख्याल करिए। इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये कहा गया कि यहाँ के खादिमों को कोई तमीज नहीं है, दीन के बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि ये कोई आलिम नहीं है, इनको फातिहा के लिए बिठाया गया और फातिहा का तरीका इनको सब मालूम है। मैं उस आदमी को जिसने इनके इंटरव्यू ले करके